नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर। लालापुर थाना क्षेत्र के नगरवार गांव में जहां पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में हुई विवाद में चली गोलियों के बीच एक व्यक्ति की जहां गोली लगने से मौत हो गई, वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी लालापुर के द्वारा जहाँ मृतक के शव कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं घटना की सूचना थाना प्रभारी द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई, जबकि स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि मृतक का नाम कल्लू तिवारी है, जो घुरपुर थाना क्षेत्र के बिरबल गांव का रहने वाला है। वहीं दो पक्षों में हुए विवाद में एक पक्ष द्वारा कल्लू तिवारी को बुलाया गया था, वहीं पुलिस के द्वारा अपने स्तर पर खंगाला जा रहा है। पुलिस ने दो अभियुक्तों को पकड़ लिया और लाइसेंसी बंदूक को बरामद कर लिया है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि में गाँव में पुलिस अभी भी मौजूद है। दोपहर में हुआ था कल्लू तिवारी का, इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या वजह थी घटना के पीछे और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? देखिए, आज सुबह करीब 9:30 बजे थाना लालापुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम नगरवार में कुछ लोगों के बीच में मारपीट हो रही है। वो एक ही गांव के रहने वाले हैं और इनके खेत अगल बगल हैं। यहाँ सिंचाई की पानी का ओवरफ्लो हो जाने के कारण से इन लोगों में विवाद चालू हुआ और इसी विवाद के जब ये विवाद बढ़ने लगा तो एक पक्ष जो सुदामा पाल और मुन्नालाल पाल हैं, इनकी तरफ से गांव के ही रहने वाले श्री मुकेश तिवारी वो इनके बचाव में आए और वो अपने साथ अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर के आए थे और जो इसमें अन्य लोग भी उनके साथ में आने लगे, क्योंकि वो उनकी तरफ से काफ़ी लोग घायल हो गए थे जो पाल पक्ष के लोग हैं। तो इनके घर के ही पास रहने वाले ग्राम बीरवल के एक अमित और कल्लू तिवारी वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें देखते ही अरुण पाठक और उनके अन्य साथी उत्तेजित हो गए और मौके पर मौजूद मुकेश तिवारी से उनकी लाइसेंसी असलहे को छीन करके उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें अमित तिवारी घायल हो गए। तत्काल उन्हें SRN अस्पताल भेजा गया जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे घटनास्थल में घटनाक्रम थाना लालापुर एवं फॉरेंसिक टीम यूनिट द्वारा वहां पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तथा तत्काल की सूचना पर अभियुक्तों के घर पर दबिश देकर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से जो लाइसेंसी बंदूक छीन करके जिससे हमला किया गया था उनके कब्जे से वो भी बरामद कर लिया। कितने लोग इस पूरे मामले में घायल हैं और जो मृतक है वो ये बताया जा रहा है कि पूर्व में एक हत्या हुई थी SO की, उस हत्याकांड का वो आरोपी भी रहा है? देखिए, इसमें जो कुल मजरूह हैं वो 7 लोग हैं और जिन्हें मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और इसमें पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार से 6 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो मृतक हैं उनके सोशल मीडिया में और अन्य जगहों से हम लोग को कुछ क्रेडेंशियल्स मिले हैं, उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है, बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से विनोद पांडे, हडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा हमारा।